Students, assalamu alaikum and welcome to the last lecture of the course. Aaj ka lecture start karne se pehle hum ye dekhte hain ki humne previous lecture mein kaun se topics padhe the. Previous lecture mein humne ye sikha ki hum database mein se records ko kaise delete karte hain. इसमें हमने डाटा को रिट्रीव किया और साथ में हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमने डिलीट का एक लिंक क्रिएट किया, जिसे क्लिक करने से यूज़र जो है उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डेटाबेस में से डिलीट कर सकता है. इसी तरह से हमने जो जावास्क्रिप्ट का कंफर्म डायलॉग बॉक्स है, उस डायलॉग बॉक्स को भी हमने यूज़ किया के डिलीट करने से पहले हम यूज़र से कंफर्मेशन ले लेते हैं. इसके बाद हमने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना सीखा और एक एग्जांपल के थ्रू हमने सारे प्रोसेस को स्टडी किया. हमने जो डाटा रिट्रीव किया था और उसमें हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिलीट का बटन ऐड किया था, तो उसी के साथ हमने अपडेट का बटन भी ऐड किया. यूज़र जैसे ही अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो एक नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र होता है और उस पेज पे उसे प्रीवियस जो वैल्यूज़ या एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं वो एक फॉर्म के अंदर नज़र आ रही होती हैं. और यूज़र जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता है तो अपडेट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है और डेटाबेस में उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देते हैं. आप देखेंगे हमने डेटाबेस के जो मेजर फंक्शंस हैं, डाटा इंसर्ट करना, डाटा सेलेक्ट करना, कंडीशनली सेलेक्ट करना या सर्च करना, इसके अलावा हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना और रिकॉर्ड को अपडेट करना. तो ये तमाम बेसिक फंक्शंस जो हैं वो हमने थ्रू एग्जांपल्स सीख लिए. आज के लेक्चर में हम इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो वेब एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था, डेवलप करना स्टार्ट किया था कनेक्शंस, हम उस वेब एप्लीकेशन के जो रिमेनिंग फंक्शंस थे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे. अगर कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन जो कि बेसिकली एक स्मॉलर वर्जन है एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट का, और इसके जो हमने की फंक्शनैलिटीज़ जो है हमने आइडेंटिफाई की थी जब हमने सीएसएस के लेक्चर में हमने इसका फ्रंट पेज डिज़ाइन भी किया था, और उस टाइम पे हमने इस एप्लीकेशन के जो फंक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए थे उसमें सबसे पहला फंक्शन था कि यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर सकेगा. हम इसे जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आज हम दोबारा से एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेंगे कि हमने ये यूज़र को कैसे रजिस्टर किया था. इसके बाद यूज़र लॉगिन, हम इसे भी डिटेल में जो है इंप्लीमेंट कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, आज हम दोबारा से एक ओवरव्यू लेंगे. जो सेंड मैसेज का फंक्शन है हम उसे देखेंगे कि हम कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इनबॉक्स, आउटबॉक्स के पेजेस और साइन आउट, तो बेसिकली ये जो फर्स्ट टू टास्क हैं हमारे पास वो हम पहले कर चुके हैं, हम जस्ट उनका एक ओवरव्यू लेंगे. और जो बाकी के टास्क हैं हमारे पास सेंड मैसेज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और साइन आउट, तो इन वेब पेजेस को हम देखेंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये स्टार्ट करते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो फंक्शन था उसके एक ओवरव्यू से. सबसे पहले हमने जो है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसमें यूज़र से इनपुट ली थी. जो यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमने जो वेब एप्लीकेशन का होम पेज है उसके ऊपर हमने डिस्प्ले किया था, और यूज़र जो है वहाँ पे अपनी इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो है अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है. अब इसका जब हमने एक्शन पेज लिखा तो उस एक्शन पेज में
सबसे पहले हमने यूज़र की इनपुट को रिट्रीव किया। यूज़र की इनपुट जो थी वो यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल और यूज़र पिक्चर। तो हमने इस इनपुट को रिट्रीव करने के बाद वैलिडेट किया कि ये वैलिड इनपुट है या नहीं। उस इनपुट के ऊपर हमने जो चेक्स लगाने थे वो चेक्स लगाए। अगर यूज़र की इनपुट वैलिड थी तो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और इंसर्ट की कमांड के थ्रू हमने यूज़र्स का जो टेबल क्रिएट किया था उसमें यूज़र्स को हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से इन स्टेप्स के बाद थ्रू हमने जो है एक्शन पेज लिखा था यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। इसके बाद हमने यूज़र लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी थी वो ऐड की थी कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन में। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है यूज़र लॉगिन फॉर्म चाहिए था। अगेन ये जो लॉगिन फॉर्म था हमने होम पेज पे डिज़ाइन किया था। तो होम पेज पे हमारे पास अवेलेबल था जो यूज़र का लॉगिन फॉर्म है। उस लॉगिन फॉर्म में हमने यूज़र से ईमेल और पासवर्ड, ये दो वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे ली थी और एक सबमिट का बटन था। अगर हम यूज़र लॉगिन की जो की फंक्शनैलिटी यानी उसका जो एक्शन पेज था उसके जो पैटर्न था कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था उस पर देखें, तो सबसे पहले हम यूज़र का जो इनपुट है ईमेल और पासवर्ड हमने इसे रिट्रीव किया एक्शन पेज पे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और इसके बाद हमने डेटाबेस में से जो यूज़र्स का टेबल था उसमें से हमने वो रिकॉर्ड सेलेक्ट किया जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वही था जो कि यूज़र ने हमें इनपुट के तौर पे प्रोवाइड किया। अगर हमें इस सिलेक्शन के थ्रू एक रो सेलेक्ट होके मिली, इट मींस के यूज़र जो है इस नेम और पासवर्ड का यूज़र जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हमने जो है सबसे पहला काम ये किया कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन थी उसे हमने सेशन वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। इसका जो बेसिक पर्पस ये था कि हम एक दफ़ा सिलेक्ट कर चुके हैं, उस रिकॉर्ड को फेच कर चुके हैं, तो हम सेशन में जो है वो स्टोर करवा लेते हैं सेशन वेरिएबल्स में, ताकि अगर हमें लॉगिन करने के बाद भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बार बार डेटाबेस तक जो है इंस्ट्रक्शंस ना लिखनी पड़े। हमने जो वेरिएबल स्टोर करवाए सेशन में उसमें डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम, डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल, डॉलर अंडरस्कोर सेशन पासवर्ड, ये तीन वैल्यूज उस यूज़र की जिसने सक्सेसफुली लॉगिन किया है उसकी हमने जो है सेशन की जो सुपर ग्लोबल अरे है वहाँ पे हमने स्टोर करवा ली और यूज़र को रीडायरेक्ट कर दिया हमने यूज़र पेज की तरफ। अब जो यूज़र पेज था उस पर हमने जो है अगेन ये डिस्कस किया कि हमने वहाँ पे एक प्रोफाइल बॉक्स बनाया जिसमें यूज़र की पिक्चर और यूज़र का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आ रही थी हमें, और साथ ही हमने एक एक्शन का बॉक्स बनाया था यूज़र पेज में जिसे क्लिक करने से यूज़र जो है वो बाकी के फंक्शंस सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज या इनबॉक्स और आउटबॉक्स और इसी तरह से साइन आउट, तो ये फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता था। उनके उन पेजेस के लिंक जो है हमने वो एक्शन के बॉक्स में ऐड किए थे यूज़र पेज पे। अब आप देखेंगे जो की पॉइंट है यहाँ तक का कि यूज़र जब लॉगिन करके यूज़र पेज पे जाता है तो हमारे पास सेशन में उसका नेम, ईमेल, पासवर्ड और इवन पिक्चर, ये चार वैल्यूज़ जो है हमारे पास पिक्चर का रेफरेंस जो है वो, ये चार वैल्यूज़ हमारे पास सेशंस में पड़ी होती हैं और हम जब चाहे सेशंस के थ्रू उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। अगर ये तो था जब सक्सेस सिनेरियो था कि यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है, अगर हमें कोई रो नहीं मिलती थी तो हम रीडायरेक्ट करते थे इंडेक्स पेज की तरफ और साथ में एक एरर मैसेज। तो ये बेसिक ऑपरेशन था यूज़र लॉगिन की फंक्शनैलिटी का।
आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेंड मैसेज का जो हमने ऑप्शन देना है यूज़र को, तो इस फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैसेजेस के लिए देखें, हमें जो हम कनेक्शंस का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन वेब एप्लीकेशन के लिए, इसमें हमने अभी तक एक टेबल यूज़र्स के नाम का क्रिएट किया था, जिसमें हम यूज़र से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर रहे थे। अब मैसेजेस जो हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हमें एक और टेबल जो है वो क्रिएट करना है, जिसका नाम हम फॉर एग्जांपल मैसेजेस रख लेते हैं। तो अब डेटाबेस में हमारे पास दो टेबल हैं, एक यूज़र और दूसरा टेबल जो है वो मैसेजेस के लिए। यूज़र टेबल की जो फील्ड्स हमें चाहिए उसमें मैसेज आईडी, और इसे हमने इंटीजर वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की है, जो कि हर मैसेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और इसकी लेंथ हमने 5 रखी है। हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसका जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो सेंडर ईमेल, यानी जब यूज़र मैसेज को सेंड करता है तो उसका उस यूज़र का ईमेल एड्रेस भी जो है हम मैसेजेस के टेबल में स्टोर करेंगे। तो ये ईमेल जो है वो वाचार टाइप का हमने फील्ड बनाया, और उसकी लेंथ जो है हमने 50 रखी। फिर रिसीवर ईमेल के जिस बंदे को मैसेज रिसीव होना है उसका ईमेल एड्रेस क्या है, वाचार, और 50 लेंथ हमने दोबारा से रखी। और फाइनली जो मैसेज है वो है क्या, अगेन इसकी जो टाइप है वो हमने वाचार रखी है, और 500 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने अलाउ किए हैं एक मैसेज के अंदर। तो इस तरह से आप देखें जो नया टेबल बनेगा मैसेजेस का, तो उसमें ये चार फील्ड्स होंगी और उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये मैसेजेस वाला टेबल जो है वो कनेक्शंस डेटाबेस जो है उसमें हमने क्रिएट कर लिया। जब ये डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट होगा तो आप देखें कि हमारे पास कुछ इस तरह से हम व्यू कर सकते हैं कि हमारे पास जो फोर फील्ड्स हैं, मैसेज अंडरस्कोर आईडी, एस यानी सेंडर अंडरस्कोर ईमेल, आर रिसीवर अंडरस्कोर ईमेल, और मैसेज। तो ये चार जो हैं हमारे पास जो हैं वो फील्ड्स हैं इस टेबल की, मैसेजेस के जो टेबल हैं। अगर हम बात करें सेंड मैसेज का जो फंक्शन है हमारे पास इसकी, तो सबसे पहले हमने जो है एक फॉर्म बनाना है, और उस फॉर्म में हमने यूज़र को जो है मैसेज टाइप करने का ऑप्शन देना है। अगर आप जो मैसेज सेंड मैसेज का फॉर्म है, इसमें सबसे पहले तो आपने जो रिसीवर है आपके मैसेज का उसे सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि हम जो रिसीवर है उसका ईमेल एड्रेस जो है वो हमने यूज़र से लेना है। तो इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि हम एक इनपुट फील्ड बना लें, यूज़र उसमें जो है ईमेल खुद से टाइप करें। लेकिन अगर हम यूज़र को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं तो जो जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हमारे पास हैं उनका ईमेल हम एक लिस्ट की फॉर्म में यूज़र को दिखा देते हैं, ताकि वो जस्ट उसमें से सिलेक्ट करें। आप इस तरह से देखेंगे यूज़र जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो यूज़र्स हैं उन्हीं को मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो जो गलती के चांसेस हैं वो कम ख़त्म हो जाएंगे कि यूज़र किसी ऐसे यूज़र का ईमेल एड्रेस लिख दें जो कि हमारे पास रजिस्टर है ही नहीं। तो सबसे पहले जो इनपुट फील्ड हमने बनाना है वो एक लिस्ट की शक्ल में होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं सिलेक्ट लिस्ट, और उसके जो ऑप्शंस हैं वो डेटाबेस में से सिलेक्ट कर लें। तो जब तक यूज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो तो ठीक है, वो एक लिस्ट आएगी उसमें से जो है वो यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। इसका एक बेहतर ऑप्शन जो कि हमने HTML5 फॉर्म्स के टॉपिक में पढ़ा था कि हम डाटा लिस्ट बना लेते हैं। डाटा लिस्ट बेसिकली ऑप्शंस होती हैं, यूज़र के पास जो है वो इनपुट फील्ड है, यूज़र उसमें टाइप करना शुरू करता है, तो वो जो वैल्यूज़ टाइप की हैं वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हिंट के तौर पे आ जाती हैं, और यूज़र उस लिस्ट में से जो है सेलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो लिस्ट का साइज़ है
वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूज़र को रिसीवर ईमेल का जो फील्ड है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो डाटा लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया होगा जिसमें यूज़र जो है वो मैसेज टाइप कर सकता है और सबमिट बटन होगा। अब इसमें देखें कि जो फील्ड्स हैं हमारे पास उन फील्ड्स में जो हमें वैल्यूज़ चाहिए रिसीवर ईमेल वो मिल गया, मैसेज जो है वो भी मिल गया, आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, और जो फील्ड रह गया सेंडर ईमेल वो हमारे पास सेशन के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो उस सेंडर का ईमेल हम यूज़र से लेने के बजाय सेंडर जो सेशन वेरिएबल है वहाँ से लेके डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। एक्शन पेज की बात करें तो देखें अभी जो हमने फॉर्म डिज़ाइन किया है उसमें यूज़र हमें रिसीवर का ईमेल सेंड कर रहा है और साथ में हमें जो मैसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो पोस्ट की अरे में हम वहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। जो रिसीवर का जो सेंडर का ईमेल एड्रेस है वो हम सेशन वेरिएबल से ले लेंगे। तो हमारे पास जो है तीनों इनपुट्स आ गई जिन्हें हमने टेबल में इंसर्ट करना है। तो इसके बाद हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे और उस मैसेज को जो है वो इंसर्ट कर देंगे हम डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जो ओवरव्यू बनता है इस फंक्शन का कि दो पेजेस होंगे, एक फॉर्म का और एक जो एक्शन पेज है वो। अब हम जो कोड देखेंगे वो हमारे पास जो फर्स्ट पेज है सेंड मैसेज का फॉर्म हम उसे डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे जो सेंड मैसेज का फॉर्म है इसमें हमने डेटाबेस से कनेक्ट भी होना है ताकि हम डेटा लिस्ट को पॉपुलेट कर सकें फ्रॉम डेटाबेस कनेक्शंस, और इसी तरह से हमने जो सेशन है उसे भी स्टार्ट करना है। तो पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे हमने पीएचपी का ब्लॉक स्टार्ट किया और इस ब्लॉक में हमने सेशन को स्टार्ट किया और साथ में हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया और फिर हमने पीएचपी ब्लॉक ख़त्म कर लिया। इसके बाद हमने जो है वो एचटीएमएल का जो एचटीएमएल टैग्स हैं लाइन नंबर 5 से वो स्टार्ट किया, और लाइन नंबर 8 पे देखें हमने जो स्टाइल शीट बनाई थी अपने कोड के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए हमने उस स्टाइल शीट को भी यूज़ किया। तो लाइन नंबर 8 पे हमने स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाया और लाइन नंबर जो 11 है इस पे हमारे पास जो बॉडी का टैग है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखेंगे जो हमारी कनेक्शन वेबसाइट थी उसका स्ट्रक्चर हम हर पेज पे सिमिलर रखना चाह रहे थे, यानी जो हमने कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए थे वो उसका हेडर सेक्शन था, जो साइड पे लिंक्स का हमने बॉक्स बनाया था वो, और फुटर। तो ये सेक्शन जो है वो कॉमन सेक्शन था, और जो बॉडी का सेक्शन है वहाँ पे हमने जो है वो मैसेज फॉर्म जो है वो डिस्प्ले करना है। तो आप देखेंगे लाइन नंबर 12 जो है इसमें हमने मेन कंटेनर जो था वेब पेज का वो स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने हेडर का डिव जो है उसे यूज़ किया है, और हेडर के डिव के अंदर हमने लोगो, और लोगो में जो हमने सोर्स दिया है वो हमारे लोगो का, यानी जब हमने होम पेज डिज़ाइन किया तो हम इसे डिटेल में देख चुके हैं कि इन डिव्स को हमने स्टाइल शीट के अंदर कैसे स्टाइल किया हुआ है। तो इस तरह से लाइन नंबर 16 का जो कोड है वो हमारे पास हेडर और हेडर के अंदर जो लोगो है इन डिव्स को क्रिएट करेगा। इसके बाद देखिए आपके जब हमने हेडर डिज़ाइन कर लिया तो अब हमने जो सेंटर कंटेंट्स हैं उन्हें डिज़ाइन करना है, जो बेसिकली वेब पेज का बॉडी का पार्ट है वो। उसके लिए हमने सेंटर कंटेंट की जो है वो डिव स्टार्ट किया और उस डिव के अंदर हमने जो एक्शन का डिव है वो स्टार्ट किया, और एक्शन के डिव में हमने वो तमाम पेजेस के लिंक्स जो हमने यूज़र पेज पे डिटेल में देखे थे हमने वो उन पेजेस के लिंक दिए। तो आप जो एक्शंस का डिव है इसमें आप देखेंगे हमारे पास सेंड मैसेज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और साइन आउट, तो इन चारों पेजेस के जो लिंक्स बने हुए हैं, यूज़र जो एक्शन परफॉर्म करना चाहेगा उस पर क्लिक करेगा और वो एक्शन उसे वो पेज उसे नज़र आएगा। तो लाइन नंबर 23 तक हम जब हम पहुँचे तो हम हेडर डिज़ाइन कर चुके हैं,
और हम जो सेंटर कंटेंट्स हैं उसमें या जो बॉडी है पेज की उसमें एक्शन का जो ब्लॉक है वो हमने ऐड करवा दिए। और इससे पहले हम सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और डेटाबेस से कनेक्शन भी बना चुके हैं। अब हमारे पास जो है बॉडी के सेक्शन में जो है वो हमारे पास है कि हमने सेंड मैसेज का फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है। आप देखें कि हमने अगेन जो पहले हमने लॉगिन का फॉर्म क्रिएट किया था उसमें हमने फॉर्म कंटेनर का डिव स्टार्ट किया था और उसके बाद फॉर्म हेडिंग का जो डिव था जिसमें हमने लॉगिन फॉर्म की हेडिंग दी थी अगेन हमने वही यूज़ किया है। और इस दफ़ा जो मैसेज हमने जो हेडिंग दी है वो है सेंड मैसेज। इसके बाद हमने आप देखिए फॉर्म स्टार्ट किया और फॉर्म में हमारे पास मेथड पोस्ट यूज़ किया हुआ है और जो एक्शन हमने सेट किया है वो मैसेज डॉट पी एच पी। अगेन हम आप देखेंगे जब ये डाटा सेंड होगा तो पोस्ट का मेथड और जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो मैसेज डॉट पी एच पी। इसके बाद आप देखेंगे जो जब मैसेज डॉट पी एच पी का कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसने हमें रीडायरेक्ट करना है और रीडायरेक्ट करने के बाद सक्सेस का मैसेज जो है वो सेंड करना है कि सक्सेसफुली मैसेज जो है आपका सबमिट हो गया। तो उसके लिए जो मैसेज हमें रिसीव होगा उस मैसेज को हमने डिस्प्ले करने के लिए जो टेबल की फर्स्ट रो है सॉरी जो फॉर्म की फर्स्ट रो है उसमें हमने वो मैसेज जो है यूआरएल में से रिसीव किया और एमएसजी सेंड। तो हमने जो मैसेज एक्शन पेज पे सेंड किया हम बाद में देखेंगे उसे तो वो हमने एमएसजी सेंड के नाम से मैसेज सेंड किया है उसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। अब आते हैं जो फॉर्म हम बना रहे हैं उसका फर्स्ट जो इनपुट फील्ड है। अब देखेंगे ये इनपुट फील्ड जो है वो रिसीवर का ईमेल एड्रेस है और जैसा कि हमने पहले बताया कि हमने इस इनपुट फील्ड में हिंट के तौर पे डाटा लिस्ट जो क्रिएट करनी है वो यूज़र जो जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र हैं उनके जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो हम हिंट के तौर पे देंगे ताकि यूज़र के पास लिस्ट आए उसमें से जस्ट सेलेक्ट करें और वो जो रिसीवर ईमेल है वो सेलेक्ट हो जाए। आप देखिए हमने जो इनपुट फील्ड बनाया है इसकी टाइप हमने टेक्स्ट रखी है और जो नेम है उसका आर ईमेल यानी रिसीवर ईमेल और जो लिस्ट हमने लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया उसे नाम हमने दिया ईमेल्स का यानी जो डाटा लिस्ट हम बनाएंगे उसका आईडी ईमेल्स हैं। तो इस तरह से देखें जो इनपुट फील्ड बन गई और अब हमने डाटा लिस्ट बनानी है। इसमें देखें आपके लाइन नंबर 36 पे डाटा लिस्ट स्टार्ट हो रही है और उसका जो आईडी है वो हमने ईमेल्स रखा है और इस आईडी को हमने ऊपर इनपुट फील्ड में यूज़ किया है। आप देखेंगे हमने जो यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं उनके ईमेल जो हैं वो रिट्रीव करने हैं और उन्हें डाटा लिस्ट में हमने ऑप्शन के तौर पे देना है। तो आप देखें कि हमने सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र्स सेलेक्ट किया और माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी के थ्रू इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और जो रिज़ल्ट आता है वो डॉलर रिज़ल्ट वेरिएबल में हमने जो है वो स्टोर करवा दिया। अब मल्टीपल यूज़र्स हैं इस वजह से हमने लूप स्टार्ट किया और जो लूप है वो रिज़ल्ट को फेच कर रहा है और डॉलर रोज़ का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा रहा है। इस तरह से डॉलर रोज़ में जो यूज़र्स का रिकॉर्ड है वो वन बाय वन आ रहे हैं और उसे हमने डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद आप देखें कि जब ऑप्शन हमने सेट किया है डाटा लिस्ट के अंदर तो उस ऑप्शन में जो वैल्यू हमने सेट की है वो ईमेल एड्रेस है क्योंकि यूज़र की जब रिकॉर्ड रिट्रीव होता है और डॉलर रोज़ वेरिएबल में स्टोर होता है तो उसके 0 इंडेक्स पे यूज़र का आईडी 1 इंडेक्स पे यूज़र का नेम और 2 इंडेक्स पे यूज़र का ईमेल पड़ा होता है। तो जो वैल्यू हमने सेट की है वो हमारे पास जो है वो है यूज़र का ईमेल एड्रेस और उसके बाद हमने जो है यूज़र का नेम जो है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे होता है उसे ऑप्शन के बीच में टेक्स्ट के तौर पे हमने लिख दिया। तो यूज़र को जो है ईमेल और जो उसका नेम है वो दोनों डिस्प्ले हो रहे होंगे और यूज़र उसमें से जो है अपना रिक्वायर्ड
यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद देखिए हमने लूप को ख़त्म किया और उसके बाद डाटा लिस्ट को ख़त्म किया। तो आप सारे प्रोसेस को देखें कि हम डाटा लिस्ट में ऑप्शंस बनाते हैं। अब ऑप्शंस जो हैं वो डायनेमिकली कि जितने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उतनी ऑप्शंस जो हैं वो रन टाइम पे जो है वो क्रिएट होंगी और हर ऑप्शन को जो है यूज़र का ईमेल एड्रेस वैल्यू के तौर पे असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने जो पॉपुलेट किया है डाटा लिस्ट को वो डेटाबेस में से किया है। इसी तरह से अगर आप इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहें तो आप सेलेक्ट लिस्ट स्टार्ट करें और उसमें ऑप्शन जो है वो वाइल के लूप के अंदर देते रहें। तो इस तरह से वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और उसमें से यूज़र जो है सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र में से किसी को सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे हमने जो सेकंड फील्ड बनानी थी वो हमारे पास टेक्स्ट एरिया था जिसे जिसमें जो यूज़र है वो टेक्स्ट मैसेज टाइप कर सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे हमने इन टेक्स्ट एरिया का इनपुट फील्ड यूज़ किया, नेम हमने रख लिया मैसेज, रोज़ 5 और कॉलम्स जो हैं वो 28 और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर लिया। तो इस तरह से लाइन नंबर 47 से 51 तक जो रो बन रही है उसमें लेबल जो है वो योर मैसेज और जो इनपुट फील्ड है हमारे पास वो टेक्स्ट एरिया है। तो आप देखें दोनों फील्ड्स हमने बना ली। अब हमने सबमिट बटन बनाना है। आप देखेंगे हमने जो है वो सबमिट बटन बनाया और उसे जो वैल्यू हमने साइन किया वो है सेंड मैसेज। इट मींस कि सबमिट बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो होगा सेंड मैसेज और फिर हमने फॉर्म को क्लोज कर लिया। अब हमने पेज को जो फुटर का हमने डिव डिक्लेयर किए हुए थे जो फुटर बनाते हैं हमने वो डिव ऐड किया और जो बाकी सेंटर कंटेंट्स और कंटेनर के डिव्स थे उन्हें भी क्लोज़ किया। बॉडी और एचटीएमएल के टैग्स जो हैं हमने उन्हें भी क्लोज़ किया। तो इस तरह से हमारे पास पूरा पेज जो है वो डिज़ाइन हो गया। आप अगर समराइज करें हम इस सारे कोड को तो सबसे पहले हमने जो है सेशन स्टार्ट किया और डेटाबेस से कनेक्शन बनाया। इसके बाद आप देखेंगे हमने जो एचटीएमएल पेज स्टार्ट किया, एचटीएमएल पेज के अंदर हमने जो स्टाइल शीट डिफाइन की थी उसे हमने इंक्लूड करवा लिया था हेड का जो टैग है उसमें। हमने जो है हेडर लोगो का जो सेक्शन था वो उसके डिव्स डिफाइन किए। अगेन आप इसके लिए जो होम का होम पेज था उसके कोड को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने सेंटर कंटेंट्स के अंदर एक्शन का जो बॉक्स था वो ऐड किया और उसके बाद जो फॉर्म कंटेनर हमने एक स्टार्ट किया जो कि फॉर्म को जिसमें हमने फॉर्म की इनपुट फील्ड्स ऐड किए हैं। अब इसमें जो की पॉइंट है फॉर्म के अंदर वो था डाटा लिस्ट का कि हमने जो रिसीवर ईमेल है उसके लिए हमने जो है डाटा लिस्ट प्रोवाइड किया यूज़र को ताकि वो रजिस्टर्ड यूज़र्स में से सिलेक्ट कर सके। और इसके अलावा जो हमारे पास इनपुट फील्ड थी वो था मैसेज, वो बनाया हमने और फॉर्म को हमने एंड कर दिया। और इसके बाद हमने फुटर का जो कॉमन पार्ट है तमाम पेजेस में उसे हमने ऐड किया और फाइनली हमने जो है वो डिव्स क्लोज़ किए और एचटीएमएल पेज को क्लोज़ किया। अगर आप इस पेज को ब्राउज़र में व्यू करें तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमारे पास। ये देखें आपके इसमें हेडर सेक्शन, अगेन वही हेडर सेक्शन है जो कि हमने होम पेज के लिए डिज़ाइन किया था। फिर आप देखें एक्शंस का ब्लॉक जो हमने यूज़र पेज में डिज़ाइन किया था, इसमें यूज़र के पास जो ऑप्शंस हैं कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। फिर हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देखेंगे पहले रिसीवर ईमेल है और योर मैसेज का टेक्स्ट एरिया है और सेंड मैसेज का बटन है और फाइनली हमारे पास जो फुटर है। तो ये हमारे पास जो है वो पेज जो बनता है ये बेसिकली सेंड मैसेज का फॉर्म है। अब हम बात करते हैं एक्शन पेज की जो जिसका नाम हमने मैसेज डॉट पीएचपी रखा था। आप देखेंगे सबसे पहले हमने सेशन स्टार्ट किया क्योंकि हमने सेशन वेरिएबल की वैल्यूज को रिट्रीव करना है। अब देखिए हमें तीन इनपुट चाहिए थी डाटा टेबल में स्टोर करने के लिए।
जो सेंडर ईमेल है वो लॉगिन के टाइम पे हमने सेशन वेरिएबल में जो है इंसर्ट करवा ली थी, हमने वहाँ से रिट्रीव किया सेंडर ईमेल ईमेल के नाम से। और जो बाकी रिमेनिंग इनपुट है वो फॉर्म के अंदर यूजर नेम में प्रोवाइड की है कि रिसीवर का ईमेल और मैसेज, हमने इनको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की अरे से रिट्रीव किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और इंसर्ट की कमांड लिखी। आप इंसर्ट देखें, इंसर्ट इनटू कनेक्शंस डेटाबेस नेम डॉट मैसेजेस, मैसेजेस का टेबल है और उसकी जो वैल्यूज हमने इंसर्ट की हैं एस अंडरस्कोर ईमेल यानी सेंडर ईमेल, आर अंडरस्कोर ईमेल रिसीवर ईमेल और मैसेज, और जो वैल्यूज असाइन की हैं वो हमारे पास हैं डॉलर एस अंडरस्कोर ईमेल जिसमें सेशन से हमने सेंडर का ईमेल लिया था, आर अंडरस्कोर ईमेल रिसीव जो कि यूजर ने हमें प्रोवाइड किया है, और डॉलर मैसेज अगेन ये भी हमें यूजर ने प्रोवाइड किया है। हमने इस कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट किया और इसके बाद हमने रीडायरेक्ट कर दिया जो सेंड मैसेज का पेज था उस पर, और हमने मैसेज सेंड किया कि मैसेज इज सेंड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास जो एक्शन पेज है वो कंप्लीट हो गया और यूज़र के जो मैसेज है उसे जो है वो सेंड कर रहा है डेटाबेस के अंदर। सेंड मैसेज के फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास या नेक्स्ट पेज है वो हमारे पास है इनबॉक्स का पेज। इनबॉक्स का पेज जब हमने डिज़ाइन करना है तो बेसिकली हमने यूज़र ने जितने मैसेज रिसीव किए हैं उन मैसेज को हमने डिस्प्ले करना है, तो हमने जो डाटा रिट्रीव का कोड है उसी को हमने यूज़ करना है। आप देखें कि सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि जो यूज़र का ईमेल है एड्रेस है वो हमारे पास सेशंस में पड़ा हुआ है, हम वहीं से उसे पिक कर लें। फिर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे और हम मैसेजेस के टेबल में से, अब ये की पॉइंट है इस सारे फंक्शन का कि हम मैसेजेस के जो है हमारे पास टेबल उसमें से हम वो मैसेज रिट्रीव करेंगे जिनमें रिसीवर आईडी वो है जो किस यूज़र का है, क्योंकि इनबॉक्स में रिसीव्ड मैसेजेस होते हैं तो मैसेजेस के टेबल में रिसीवर आईडी जो है वो जहाँ जहाँ इस यूज़र का है उन मैसेजेस को हमने रीड करना है। और उसके बाद हम डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाएंगे और डाटा को डिस्प्ले कर देंगे। इसमें आप डिस्प्ले स्ट्रक्चर देखिएगा कि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो सेंडर है उसका पिक्चर नज़र आए और साथ में उसका ईमेल एड्रेस नज़र आए और उस बॉक्स में सेंडर का जो मैसेज है वो भी नज़र आए। तो इसमें थोड़ी सी जो ट्रिक होगी आप देखेंगे, सेंडर का ईमेल एड्रेस तो हमें मैसेजेस के टेबल में से मिल जाएगा लेकिन उसका जो पिक्चर है वो पड़ा हुआ है यूज़र्स के टेबल में, तो हमें सेंडर का ईमेल एड्रेस की बेस पे हमें जो है यूज़र्स के टेबल में से उसका पिक्चर का रेफरेंस उठाना है ताकि हम उसे डिस्प्ले कर सकें। तो इस तरह से हमने दोनों टेबल्स में से डाटा को रिट्रीव करना है, तब जाके ये कोड जो है वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होगा। अगर हम कोड की बात करें और प्रीवियस पेज के साथ, तो जो स्ट्रक्चर है यानी जो कॉमन सेक्शंस हैं वो सिमिलर हैं कि सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करेंगे और कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे डेटाबेस के साथ। फिर आप देखेंगे पेज स्टार्ट हो रहा है एचटीएमएल टैग्स के साथ और हमने जो स्टाइल शीट है उसे इंक्लूड करवाया है। फिर हमने जो हेडर और लोगो के डिव्स थे जो कि लास्ट पेज में भी थे उन डिव्स को हमने ऐड किया ताकि लोगो और हेडर जो है वो सेक्शन डिज़ाइन हो जाए। और उसके बाद जो मैसेजेस सॉरी एक्शंस वाला ब्लॉक था वो ब्लॉक हमने ऐड किया, तो आप देखेंगे वही सेम कोड है लाइन नंबर 23 तक जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था। इसके बाद आप देखेंगे जो बॉडी का सेक्शन है वहाँ पे हमने मैसेजेस को डिस्प्ले करना है। हमारे पास जो यूज़र का आईडी है जिसके मैसेजेस को हमने रिट्रीव करना है वो हमारे पास सेशन में पड़ा हुआ है,
हमने वहाँ से ईमेल एड्रेस लिया और उसे डॉलर आईडी को साइन कर दिया। तो डॉलर आईडी में यूज़र का जो है वो ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे हमने मैसेजेस सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैसेजेस वेयर आर अंडरस्कोर ईमेल, यानी रिसीवर का ईमेल वही है जो कि इस यूज़र का है, क्योंकि इस यूज़र ने वही मैसेजेस देखने हैं जो कि इसको रिसीव हुए हैं। तो ये कंडीशन जो है वो डिफरेंशिएट करेगी कि कौन कौन से मैसेजेस हमने डिस्प्ले करवाने हैं। तो अगेन आप देखेंगे हमने आर अंडरस्कोर ईमेल जो है वही है जो कि इस यूज़र का ईमेल है। इस कंडीशन के बेस के ऊपर हमने जो है डाटा को रिट्रीव किया और कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट जो है वो डॉलर रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। अब आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस जो हैं वो रिट्रीव होंगे, तो हमने वाइल का लूप स्टार्ट किया और इस वाइल के लूप में हमने जो मैसेज हमें मिला है उसकी रो को हमने फैच किया। अब देखें जो डॉलर रोज है इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास हैं ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर मैसेज आईडी, वन इंडेक्स के ऊपर सेंडर आईडी और टू इंडेक्स के ऊपर हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है रिसीवर आईडी और थर्ड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है मैसेज। अब आप देखेंगे जब हम डाटा को डिस्प्ले करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सेंडर है उसकी पिक्चर नज़र आए और वो पिक्चर पड़ी हुई है यूज़र्स के टेबल में। आप अभी स्टेज पे देखेंगे हमारे पास जो सेंडर का ईमेल है वो पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर वन पे और सेंडर की जो पिक्चर है वो यूज़र्स के टेबल में। तो आप ये देखें हमने दोबारा से एक सेलेक्ट की कमांड लिखी लूप के अंदर और इसमें हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र ईमेल इज़ इक्वल टू सेंडर ईमेल जो भी हमारे पास वन इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ था। तो हमने यूज़र्स के टेबल में से वो रो सेलेक्ट की है जिसका ईमेल एड्रेस वही है जो कि इस मैसेज के सेंडर का है। हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और जो रो हमें मिली उसे फैच किया। इस तरह से अब आप देखें कि हमारे पास जो मैसेज है वो पड़ा हुआ है रोज के थर्ड इंडेक्स के ऊपर और जो हमने अभी सेंडर का रिकॉर्ड रिट्रीव किया है वो हमने डॉलर रो वेरिएबल में स्टोर किया है। तो रोज़ में मैसेजेस पड़े हुए हैं और डॉलर रो वेरिएबल जो है उसमें सेंडर की इंफॉर्मेशन है। अब आप देखेंगे हमने डाटा को मैसेज को डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले हमने एक डिव ऐड किया और इसका जो नाम हमने इसकी जो क्लास थी वो मैसेज हमने रखी थी। तो स्टाइल शीट में आपको एक डिव जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप उसकी हाइट और विड्थ सेट कर लें और उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लें। इस डिव के अंदर आप देखेंगे हमने इमेज का डिव जो पहले हम हेडर में भी यूज़ कर चुके थे वो यूज़ किया और इसमें जो हमने इमेज का सोर्स दिया, आप देखें इमेज का टैग है, उस इमेज के टैग में हमने जो है सोर्स दिया है वो हमने दिया है डॉलर रो, यानी जो सेंडर का रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स फोर। अब जो सेंडर का रिकॉर्ड हमने रिट्रीव किया है उसके फोर इंडेक्स के ऊपर सेंडर की पिक्चर का रेफरेंस था, तो हमने उस रेफरेंस को सोर्स के तौर पे दिया तो इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। इसके बाद हमने मैसेज टेक्स्ट के नाम से एक डिव है जिसमें हमने अगेन हमने स्टाइल शीट में इसे स्टाइल किया है कि टेक्स्ट किस कलर का होना चाहिए, आप डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट डिव यूज़ करें। तो इसमें आप देखें मैसेज सेंड बाय और इसमें हमने सेंडर का ईमेल लिखना है, तो सेंडर का ईमेल जो है वो अगेन जब हमने मैसेज रिट्रीव किया है तो उसके इंडेक्स नंबर वन पे था और जो मैसेज था वो इंडेक्स नंबर थ्री पे था, तो हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो डिस्प्ले करवा दिया और इसके बाद लूप को ख़त्म कर दिया। तो अगर आप इस लूप के प्रोसेस को देखें जो कि मैसेज जिसको डिस्प्ले कर रहा है, तो ये सबसे पहले मैसेज जो इस यूज़र को रिसीव हुए हैं उन्हें सिलेक्ट करेगा और रो को फैच करेगा। जब रो फैच हो जाएगी तो हमारे पास सेंडर का ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उस ईमेल एड्रेस की बेस के ऊपर यूज़र्स के टेबल में से सेंडर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब सेंडर की इंफॉर्मेशन आ गई तो हमने अब डाटा को डिस्प्ले करना है,
तो हमने जो सेंडर की इन्फॉर्मेशन है उसे डॉलर रो वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, वहाँ से हमने उसका जो पिक्चर का रेफरेंस है उसे यूज़ किया और इमेज डिस्प्ले करवा दी उसकी, और बाकी हमने जो सेंडर ईमेल और सेंडर मैसेज है वो हमने रोज़ या जो मैसेज हमने फेच किया था उसमें से डिस्प्ले करवा दिया। और फाइनली हमने जो फुटर का डिव है वो ऐड किया और उसके बाद हमने HTML को क्लोज कर दिया। अगर आप इस पेज की जो है आउटपुट देखें तो आप देखें कि हेडर और कॉमन पार्ट्स उसी तरह से हैं, एक्शंस वाला और जो आपको मैसेज नज़र आ रहा है, देखिए एक बॉक्स बना हुआ है डार्क ग्रे कलर का, इसमें सेंडर का जो है वो पिक्चर है और उसके बाद जो है हमारे पास सेंडर का ईमेल एड्रेस और मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यूज़र इनबॉक्स पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे चला जाएगा और उसे जितने भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो डिस्प्ले हो रहे होंगे। इनबॉक्स के पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज हमने डिज़ाइन करना था वो था आउटबॉक्स, इट मीन्स के यूज़र ने कितने मैसेजेस जो हैं वो सेंड किए हैं। तो अगेन आप देखें जो प्रोसेस हमने वही है जो इनबॉक्स में था, सेशन स्टार्ट किया, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, यूज़र का जो आईडी है वो हमने डेटाबेस में से जो है रिट्रीव किया, सेशन वेरिएबल में से रिट्रीव किया। अब आप देखें जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं जहाँ पे सेंडर आईडी वो है जो किसी यूज़र का है, इनबॉक्स में हमने वो रिकॉर्ड रिट्रीव करने थे जहाँ पे रिसीवर आईडी वो था जो इस यूज़र का है, और आउटबॉक्स में हमने वो मैसेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं जिनमें सेंडर आईडी वो है जो कि इस यूज़र का है। फिर हमने डिस्प्ले स्ट्रक्चर वही वो यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस पेज में किया था और इसके बाद हमने मैसेजेस को डिस्प्ले कर देंगे। तो आप देखेंगे वही कोड जो हमने कॉपी किया था कॉपी कर सकते हैं जो कि हमने इनबॉक्स के लिए लिखा था, जो फर्क आएगा वो उस इंस्ट्रक्शन में आएगा जो कि डाटा को सिलेक्ट मैसेजेस को सिलेक्ट कर रही है। वहाँ पे अब जो है सेंडर ईमेल जो है वो होना चाहिए जो कि इस यूज़र का है। अब देखेंगे जो लाइन नंबर 24 और जहाँ पे हमने कमांड लिखी थी हमने उसमें जो चेंजेस थे वो हम कोड में दिखा रहे हैं आपको। आप देखेंगे जो प्रीवियस इनबॉक्स का कोड हमने फुल डिटेल में देखा उसमें लाइन नंबर ऑलमोस्ट 27 ही थी जिसमें हमने मैसेजेस को सिलेक्ट कर रहे थे। तो उसमें आप देखेंगे हमने वेयर क्लॉज में आर अंडरस्कोर ईमेल एड्रेस दिया था इज इक्वल टू आईडी डॉलर आईडी जो कि यूज़र का आईडी है वो हमने सेट किया था। अब हमने एस अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर आईडी यानी वो मैसेजेस जो कि इस यूज़र ने सेंड किए हैं वो हमने सिलेक्ट करने हैं। अगेन हम उसी तरह से लूप स्टार्ट करेंगे और रोज़ के वेरिएबल में हमने मैसेज को जो है वो फेच करना है। अब हम यूज़र ने जिस बंदे को मैसेज सेंड किया है उसकी पिक्चर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे जो रिसीवर है यूज़र के मैसेज का उसका ईमेल पड़ा हुआ है रोज़ 2 पे, यानी रोज़ का जो वेरिएबल है उस पे मैसेज पड़ा हुआ है और सेंडर का 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे जो है रिसीवर है। तो हमने रिसीवर की पिक्चर दिखानी है इस दफ़ा। तो हमने यूज़र्स के लिए जो है यूज़र्स के टेबल में से जो रिकॉर्ड रिट्रीव करना है वहाँ पे हमने रिसीवर की ईमेल दिखा दी सेट किए और क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और रिट्रीव किया। अब हम इसे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो अगेन हमारे पास वही डिव्स हैं, हमने जो रिसीवर का रिकॉर्ड यूज़र्स के टेबल में से रिट्रीव किया है उसके जो वैल्यू है हमने वो सेट की और उसके जो इमेज की रेफरेंस था वो सेट किया हमने इमेज के टैग में, और बाकी जो वही वैल्यूज़ हैं कि सेंड टू में हमने रिसीवर का ईमेल एड्रेस और मैसेज जो है वो हमने डिस्प्ले करवा दिया और लूप को क्लोज कर दिया लाइन नंबर 43 पे। और इसके बाद हमने फुटर का टैग हमने ऐड किया था
अब इसकी आउटपुट देखें आप, तो हमारे पास जो आउटबुक्स आउटबॉक्स का पेज है उसमें वो मैसेजेस नज़र आ रहे हैं जिसमें यूज़र ने जो मैसेज सेंड किया है। जो लास्ट फंक्शन हम परफॉर्म करना था वो था साइन आउट। बेसिकली जब यूज़र साइन आउट जब यूज़र लॉग इन करता है तो सेशंस में उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, सेशन आईडी और जो बाकी वेरिएबल्स जो हम स्टोर करवाते हैं। अब जब यूज़र साइन आउट करता है तो हमने उन वैल्यूज़ को रिमूव करना है, क्योंकि जब वो वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी तो अगर कोई एक्सेस करता भी है उस मैसेजेस के, फॉर एग्जांपल इनबॉक्स को, तो जब यूज़र का आईडी ही नहीं होगा सेशन वेरिएबल्स में तो वो उसके मैसेजेस को रीड नहीं कर सकेगा। अगर आप साइन आउट का कोड देखें तो इसमें सबसे पहले हमें सेशन स्टार्ट करना है अगेन, और उसमें हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज की तरफ। ठीक, तो जो साइन आउट का कोड है जस्ट वो आप साइन आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कोड जो है सेशन को डिस्ट्रॉय करेगा और आपको जो इंडेक्स पेज है उस पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो आपको कोई आउटपुट जो है वो नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसका कोड देखें तो आप देखेंगे हमने पीएचपी का जो ब्लॉक है इसमें सेशन स्टार्ट किया, डिस्ट्रॉय किया सेशन को, और इंडेक्स डॉट पीएचपी की तरफ हमने रीडायरेक्ट करवा दिया। तो इस तरह से ये 3 लाइनों का कोड है जो कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमने जो फंक्शंस थे उन्हें हमने डिस्कस किया, उनके कोड को देखा। आखिर में आइए हम जो है कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन जो है इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड तमाम फाइल्स मैं जो लोकल होस्ट है उस पर मैं कनेक्शंस के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसमें जो है वो तमाम की तमाम फाइल्स जो है वो कॉपी की हुई हैं। आप देखेंगे हम होम पेज से जो कनेक्शंस का फोल्डर है इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो होम पेज ओपन हो गया। इसमें आप देखें पहले भी बताया था कि जब हम किसी पेज को इंडेक्स के नाम से रखते हैं तो वो पेज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें फाइल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। तो इस पेज का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, तो यहाँ से जो है हमने इसे डायरेक्टली इस वजह से ये एग्जीक्यूट हो गया। आइए हम एक रिकॉर्ड जो है हमने ऐड किया था, बल्कि हम एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड करते हैं और फिर उस रिकॉर्ड के थ्रू मैसेज सेंड करके देखते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड किया, असद जो यूज़र नेम है, ईमेल के लिए हमने asad@yahoo.com और जो पासवर्ड है वो 123 सेट किया, और जो पिक्चर सेलेक्ट किया वो यहाँ से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की और रजिस्टर कर लिया। आप देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इज एडिट। अब हम इस रिकॉर्ड के थ्रू जो है लॉग इन करते हैं, asad@yahoo.com ईमेल एड्रेस और 123 पासवर्ड, लॉग इन पे क्लिक किया तो हम यूज़र के जो पेज था उस पे लॉग इन कर गए। आप देखें इसमें हमें जो पिक्चर हमने ऐड की थी वो भी नज़र आ रही है, नेम भी असद और asad@yahoo.com जो है हमारे पास, इसका ईमेल जो एड्रेस है वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमने जो है लॉग इन फंक्शनैलिटी के कोड में देखा था हम ये कैसे हमने ऐड किए थे। अब देखिए हमारे पास ये जो है वो एक्शंस हैं जो कि यूज़र परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक मैसेज सेंड करना चाहे तो सेंड मैसेज पे क्लिक किया, हमारे पास मैसेज का जो है वो बॉक्स आ गया, फॉर्म आ गया। इसमें देखें जैसे यूज़र ने क्लिक किया तो ए से ए के साथ जो यूज़र्स पहले से ऐड थे वो लिस्ट में नज़र आना शुरू हो गए, और यूज़र यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र भी ईमेल एड्रेस भी है, और इसी तरह से आप देखें यूज़र का नेम भी नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यू टाइप करता हूँ तो हमारे पास एक यूज़र उमर के नाम से पहले था, umar@yahoo.com, और उसका नेम दोनों नज़र आ रहे हैं। तो जिसको भी जो है मैसेज सेंड करना है यूज़र ने वो हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा और हम उसे चेक कर सकते हैं। तो आप देखें पहले हम asad@yahoo.com इसे, और जो मैसेज हमने सेंड किया है वो है
टेस्ट मैसेज, और इसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। हमारे पास मैसेज आ गया, मैसेज इज सेंड सक्सेसफुली। अब आप देखें कि यूज़र ने जो है वो अपने आपको ही मैसेज सेंड किया है। हम इनबॉक्स में जाते हैं तो आप देखें हमें मैसेज नज़र आ रहा है कि सेंडर जो है वो असद ही है, और मैसेज जो है वो भी नज़र आ रहा है कि ये एक टेस्ट मैसेज का मैसेज आया है। इसके बाद अगर आप साइन आउट पे आउटबॉक्स पे देखें तो अगेन आउटबॉक्स में सेंड टू, ये मैसेज जो है वो असद को ही सेंड हुआ था और जो मैसेज है वो टेस्ट मैसेज था। तो इस तरह से देखें हमें इनबॉक्स और आउटबॉक्स दोनों में नज़र आ रहा है क्योंकि ये मैसेज ने खुद यूज़र ने खुद को ही मैसेज सेंड किया था। अब हम किसी दूसरे यूज़र को मैसेज सेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे umar@yahoo.com, इस पर जो मैसेज है हम इसे हेलो का मैसेज सेंड करते हैं, और मैसेज सेंड पे क्लिक किया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अब आप इनबॉक्स को देखें तो एक मैसेज है क्योंकि ये मैसेज किसी और को रिसीव हुआ है तो इस यूज़र को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप आउटबॉक्स पे क्लिक करें, आप देखेंगे जो उमर है उसे मैसेज रिसीव हुआ है, तो अब उमर की पिक्चर नज़र आ रही है और सेंड टू umar@yahoo.com, यानी इस ईमेल एड्रेस पे सेंड हुआ है और मैसेज जो है हमारे पास वो हेलो था। अब हम साइन आउट करते हैं और देखते हैं कि जो उमर यूज़र है उसे ये मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। अगेन हम लॉगिन करते हैं, तो इस दफ़ा उमर के नाम से हमने लॉगिन किया जो कि पहले से हमने यूज़र क्रिएट किया हुआ था। पासवर्ड 123 ऐड किया और लॉगिन प्रेस किया। आप देखेंगे उमर का जो होम यूज़र पेज है वो आ गया। अब अगर हम इनबॉक्स देखें तो आप देखेंगे जो अभी असद ने हमें मैसेज सेंड किया है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलो के नाम से। अब एक यूज़र हमने हसन के नाम से भी ऐड किया हुआ था और उस पर पिक्चर वही रखी है जो कि अभी ये पिक्चर थे, इस वजह से हमें वो मैसेज जो पहले टेस्ट मैसेजेस सेंड किए थे वो नज़र आ रहे हैं। ये लास्ट मैसेज वो है जो कि अभी असद ने सेंड किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे यूज़र जो है वो मैसेज को सेंड करता है और उसे जो है इनबॉक्स में वो नज़र आते हैं, और जो मैसेज उसने रिसीवर को नज़र आते हैं, और जो मैसेज सेंड होते हैं वो जो है आउटबॉक्स में नज़र आते हैं। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने बेसिकली जो आज का लेक्चर था इसमें हमने कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन के जो फंक्शंस थे जो हमने पहले से बना लिए उन्हें उनका ओवरव्यू लिया, और जो भी हमने रहते थे वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र लॉगिन, इसी तरह से हमारे पास जो सेंड मैसेज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और साइन आउट। तो ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो हमने आज के लेक्चर में जो हैं वो बनाए हैं अपने कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का लेक्चर हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर था, लेक्चर के एंड पे हम देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या पढ़ा। जो स्टार्ट के लेक्चर से उसमें हमने वेब इंजीनियरिंग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिक जो हमारा फोकस था वो ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो आपने पढ़ी हैं, जब हम उन टेक्निक्स को वेब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं वो हमें जहन में रखने होते हैं। तो जो वेब इंजीनियरिंग का जो थ्योरी है वो हमने स्टार्ट किया। जो सेकंड मॉड्यूल था उसमें हमने वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हमने इस पर डिस्कस किया। जो टेक्नोलॉजी हमने सबसे पहले स्टार्ट की वो HTML था, कि हम जो HTML है वो बेसिकली स्टैटिक वेब पेजेस या वेब पेजेस का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा HTML में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद हमने डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना सीखा। फिर हमने जो है इमेजेस और वीडियोस, ऑडियो फाइल्स जो हैं वो वेब पेज पे ऐड करना सीखा।
इसके बाद हमने जो है HTML फॉर्म्स सीखे, HTML टेबल्स पढ़े। तो पेज का जो लेआउट था वो हमने HTML टेबल्स में डिज़ाइन करना सीखा, और HTML 5 के जो फॉर्म्स एलिमेंट हैं वो भी हमने HTML के लेक्चर्स में पढ़े। और इस तरह से हमने जो एक पेज का फ्रंट एंड है वो डिज़ाइन करना सीख लिया हमने। तो HTML जो है वो लिंकिंग की फैसिलिटी देती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, और कंटेंट्स वेब पेज के ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन करना है उसकी कैपेबिलिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं HTML के अंदर। और जो आखिर में है वो है फॉर्म्स ऐड करना। तो फॉर्म क्रिएट और सबमिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो HTML हमें प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमने CSS पढ़ा। CSS बेसिकली जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है W3C का, कि आप कोई पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो लेआउट है उसे कंट्रोल थ्रू CSS करते हैं। तो हमने जो है इसमें पढ़ा कि हम हर टैग के लिए जो है स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं और हम उसे उस स्टाइल शीट को इंक्लूड करते हैं अपने वेब पेज में, तो ऑटोमेटिकली वही स्टाइल जो है उन टैग्स पे अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से जो पेज की प्रेजेंटेशन है उसे हमने कंट्रोल करना सीखा CSS में। फिर हमने जो है एक वेब एप्लीकेशन जो कि कनेक्शंस के नाम से हमने स्टार्ट की, और उसका जो लेआउट था वो हमने डिज़ाइन किया यूजिंग CSS। CSS के बाद हमने जावास्क्रिप्ट जो है वो पढ़ा। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली जो HTML डिज़ाइनर्स हैं उन्हें प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हमने डॉम मॉडल पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो कैसे जो है वो इंटरेक्टिव इफेक्ट्स जो है वो ऐड करता है वेब पेजेस पे। तो हमने देखा कि जो ब्राउज़र्स होते हैं वो डॉम मॉडल के तहत जो है एक पेज के एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास कीप करते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उन एलिमेंट्स को एक्सेस करके हम जो है उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास डायनामिक इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं वेब पेज पे। तो हमने इमेजेस, बैकग्राउंड, डेट, नेविगेटर, हिस्ट्री, स्क्रीन, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं डॉम मॉडल की उनके एट्रीब्यूट्स को हमने रीड करना सीखा और उन्हें जो है हमने चेंज करके जो है डायनामिक इफेक्ट्स क्रिएट करना सीखा। इसी तरह से हमने फॉर्म्स जो है उस फॉर्म की वैल्यूज़ को रन टाइम पे हमने सेट करना और जो है उन्हें वैलिडेट करना सीखा जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे आए। हमने PHP में सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे उसमें हमने PHP के सिंटैक्स को डिस्कस किया। फिर जो की लेक्चर था हमारे पास उसमें हमने फॉर्म्स की वैल्यूज़ को नेक्स्ट पेज पे जो है वो रिट्रीव करना सीखा, यानी एक पेज पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें नेक्स्ट पेज पे हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें हमने गेट और पोस्ट के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स और फिर सेशंस का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है इन्हें डिस्कस किया हमने। इसके बाद हमने इनपुट को रिट्रीव करने के बाद उसे वैलिडेट करना सीखा, जिसके लिए हमने जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना सीखे और फिर उन रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर यूज़र की इनपुट को हमने वैलिडेट किया। तो आप ये देखेंगे जब वैलिडेशन की बात आती है तो हमने तीन स्टेजेस पे वैलिडेशन सीखी है, एक HTML5 के थ्रू, फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू और PHP में। तो आप देखेंगे जो HTML5 की वैलिडेशन है और जावास्क्रिप्ट की वो क्लाइंट की मशीन के ऊपर होता है, और जब तक डाटा वैलिडेट नहीं हो जाता तो डाटा सबमिट नहीं होता सर्वर पे। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया जा सकता है और HTML5 जो है वो अभी तमाम ब्राउज़र्स जो हैं वो फुली अंडरस्टैंड नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहा है यूज़र जो कि HTML5 को अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसकी वैलिडेशंस भी जो है वो इफेक्ट नहीं दिखाती। तो हमें जो है एक अच्छा ऑप्शन है कि हम यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करें सर्वर के ऊपर।
जिसके लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो इनपुट को वैलिडेट किया। इसके बाद हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी और डेटाबेस के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सीखे हमने, डेटा इंसर्ट करना, डेटा रिट्रीव करना, कंडीशनली रिट्रीव करना, और जैसा कि हमने लॉगिन में किया। इसके बाद हमने डेटा को अपडेट करना और डिलीट करना, तो ये की फंक्शंस जो हैं वो हमने परफॉर्म करना सीखे। और इसके बाद हमने जो है जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है उसके फंक्शंस को हमने इम्प्लीमेंट किया और एक एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की। लेक्चर के कोर्स के आखिर में अगर आप इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो आपके पास एक बेस बन जाती है कि आप जो है वो डायनेमिक वेब जो है वो डेटाबेस बेस्ड वेबसाइट्स बना सकते हैं और मज़ीद लर्निंग के साथ ज़्यादा पावरफुल जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम कोर्स को जो है फॉर्मली ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।